हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई एल्विश यादव के विनर बनने के बाद उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है कि बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विनर बना है, और वो भी एल्विश यादव। और सेकंड रिकॉर्ड उन्होंने ये ब्रेक किया है कि भाई बिग बॉस जाने से पहले एल्विश के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, लेकिन बिग बॉस को जीतने के बाद उनके अब 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड थर्ड रिकॉर्ड ये है कि भाई एल्विश यादव ने MC Stan का लाइव रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी लाइव वॉचिंग भाई ऑलमोस्ट 6 लाख थी। एंड कल एल्विश यादव का एकदम ग्रैंड मीटअप हुआ था, मतलब यार एकदम भारी भीड़ हो गई थी पब्लिक की। और इस मीटअप में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी आए हुए थे, और भाई सिस्टम हैंग हो गया था बिल्कुल ही इस मीटअप में। तो भाई पब्लिक बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी यार। सो अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, तो वहां पर उन्होंने एल्विश यादव और अपने भाईचारे के बारे में क्या बोला, आप खुद सुन लीजिए। मेरे और एल्विश के बीच में बहुत अच्छा भाईचारा बना रहा, बट चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं और एल्विश अभी भी भाई है, पहले भी भाई थे और आगे भी भाई रहेंगे। ये जो बिग बॉस के मेकर्स ने कोशिश करी है हमारे बीच में राइवलरी लाने की, हमारे फैन पेजेस को, हमारे फैन ग्रुप्स को, हमारे सपोर्टर्स लड़वाने के लिए, आई स्वेयर आई डोंट अप्रिशिएट दिस एट ऑल। जब मम्मी बिग बॉस के घर में आई थी, मैंने क्लियर कट ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग नहीं समझता, बट अगर एल्विश जीतेगा तो मैं दिल से खुश होऊंगा क्योंकि वो मेरा भाई है, ट्रॉफी कम्युनिटी में आएगी। बट वो पार्ट कट कर दिया गया और सारी चीजों को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर। और फुकरा इंसान ने कुछ यूट्यूबर्स के बारे में भी बोला कि भाई जिनसे उनको उम्मीद थी कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बाकी उन्होंने क्या बोला आप सुन लीजिए। ऐसे क्रिएटर्स थे जिनसे मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि उन्होंने हमारे साथ लाइक पास में काम कराया एंड वो हमारे को बहुत सारा प्यार देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे ना मेरे किसी फैमिली मेंबर को किसी से कोई शिकवा इस वक्त। आई नो एक ये गेम थी हमारे लिए, ऑल लव टू एवरीवन जिन्होंने किधर भी सपोर्ट। तो भाई फुकरा इंसान को जिस यूट्यूबर ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया वो उनसे काफी ज्यादा नाराज है, तो उन्होंने क्या बोला अपनी नाराजगी जताते हुए आप सुन लीजिए। आज की लाइव देख के या आज की वीडियो देख के थोड़ा मन दुखी हुआ, बिकॉज एक ही चीज बार बार अभिषेक बोलता हुआ नजर आ रहा है कि वन मैन आर्मी अकेले निश्चय ने सपोर्ट करा, वन मैन आर्मी अकेले निश्चय ने सपोर्ट करा, निश्चय अकेला ही लगा हुआ था, ये था वो था। थोड़ा बुरा लगा सुन के यार, पर्सनली अपसेट हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मेरा नाम लो आप, बट अकेला निश्चय नहीं लगा हुआ था भाई, मैं मुंह पे बोल सकता हूँ ये चीज, अकेला निश्चय नहीं लगा हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग सिर्फ हमें क्रेडिट दो या मेरा नाम लो, लिटरली देखो भी मत, बट सिर्फ निश्चय नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दुख हुई हूँ मैं, मन खराब है भाई। मैंने तो ओपनली सपोर्ट करा, मेरे जैसे कितने यूट्यूबर्स ने ओपनली सपोर्ट करा, बहुत सी जनता लाइव लेके बैठी थी कि फुकरे को सपोर्ट करना है। अरे यार एक क्या नाम है लड़के का, मेरे को नाम नहीं आ रहा चैनल का, वो बंदा इक्वल लेवल पे लाइव लेके बैठा था 2000 लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्या भाई वोट डालो वोट डालो वोट डालो, लेकिन सिर्फ वोट डालो ही काउंट होगा क्या? और आप पब्लिक इंटरव्यू देते हो, अरे यार मेरा भाई वन मैन आर्मी घंटा, बहुत ही सेल्फिश सी बात बोल दी यार, बड़ा अजीब लगा सुनके। मेरा नाम मतलब, लेकिन 50 यूट्यूबर ऐसे थे जो लाइव बैठ के वोटिंग करा रहे थे और नॉन मॉनेटाइज चैनल पर करा रहे थे। भाई एक बार होता है, दो बार होता है, चल एक बार बोल दिया किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ये 3 दिन से बोल रहा है वन मैन आर्मी, तो 3 दिन में एक बार ये तो बोला नहीं कि हाँ कि बाकी सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने वोटिंग करवाई है लाइव। मैं वही बात तो बोल रहा हूँ, अकेला ट्रिगर बोल रहा था, मेरे को वही चीज़ बुरी लगी यार कि तुम्हारे जो 4 बंदे तुम्हारे आसपास थे जो वहां पे आए थे उन तक को नहीं बोला भाई, शाउट आउट तक नहीं है भाई उन चीजों को, उन लोगों को। तो अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो वो गए हैं भाई एल्विश यादव से मिलने, तो वहां पर उन्होंने बताया कि एल्विश को सपोर्ट करने के लिए उनको कितने पैसे दिए गए थे। तो बताओ वो जो 5 लाख रुपए कब दे रहा हूँ मेरे जो मेरे मीटअप पे आने के थे, क्योंकि मैं ना बहुत सारी रील वायरल होते हुए देख रहा था कि भाई एल्विश भाई की टीम ने बाकी क्रिएटर्स को पैसा दे करके बुलाया, मेरे को 5 लाख रुपए दिए थे ना सर। मैं बताते रहा हूँ एल्विश भाई हमको 20 रुपए नहीं देके गया, 5 लाख तो हम तब बांटे। और भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, किसी ने कुछ भी कहा वो अलग बात है, जो भी हमारे मीटअप में काम हुआ या फिर जिसने भी हमको सपोर्ट करा वो भाई भाईचारे में जेन्युइन, जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना भाई से, भाई का है। भाई ने क्लियर बोला था कि भाई एल्विश भाई ने मेरा सपोर्ट करा, तो मेरा बिल्कुल दिल से है कि मैं एल्विश भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही भाई आपने करा, ऐसे साथ जितने भाई था हमारे सारे भाईचारे में। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी नेगेटिव PR चल रहे थे बीच में कि भाई बाकी यार आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।